subscribe my channel and press the bell icon. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट चैनल। फिल्म संजू का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था। दर्शकों ने इसे काफ़ी ज़्यादा सराहा भी और कुछ दर्शकों ने इसकी तुलना रेस 3 से कर दी और लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा क्लैश है। दोस्तों, आपको बता दें कि रेस 3 और संजू दोनों ही अलग टाइप की फिल्म है। और अब आपको बता दें कि सलमान खान से फिल्म संजू के ट्रेलर के बारे में महबूब स्टूडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि इस फिल्म संजू का ट्रेलर आपको कैसा लगा, तो यहाँ पे भाईजान का रिएक्शन बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से बिल्कुल अलग था। जहाँ सबको संजू का ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा शानदार लगा, वहीं भाईजान ने कहा कि राजकुमार हिरानी बेहद ही सेंसिएबल डायरेक्टर हैं, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। सलमान ने कहा ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं बात करूँ ट्रेलर के उन सीन की जो संजू के बीते 10-12 साल को दिखाते हैं, वो मुझे खास पसंद नहीं आए। और ना ही रणबीर कपूर इन शो यानी संजू के लुक को खुद से पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाए। और साथ ही सलमान खान ने ये भी कहा कि संजू के जिंदगी के आखिरी 10-12 साल के जो उस फिल्म में भूमिकाएं निभाई गई हैं, उसमें संजू को खुद ये भूमिकाएं निभानी चाहिए थी। शायद उनके रोल के साथ ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई। खैर, सलमान खान ने कहा कि फिल्म अच्छी ही होगी क्योंकि इसे राजकुमार हिरानी ने इसको डायरेक्ट किया है। यानी कि सलमान खान ने राजकुमार हिरानी की तारीफ की और संजय दत्त की तारीफ की, लेकिन रणवीर कपूर को पूरी तरह से नकार दिया। और उन्होंने कहा कि इस फिल्म के अंदर संजय दत्त अपने जिंदगी के आखिरी 10-12 साल के रोल को वह खुद अदा करते तो ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा शानदार होती। रणवीर सलमान को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रणवीर संजय दत्त से पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाते हैं? यदि कर पाते हैं तो अपना जवाब कमेंट में ज़रूर दें। और जैसे ही मेरे पास आगे कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। अगर आप नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय माई फ्रेंड।